विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजो ने बुधवार को साइपन की एक अमेरिकी कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उसे रिहा भी कर दिया। दरअसल असांजो ने अमेरिका से एक समझौता किया है जिसके तहत उन्हें अमेरिका की जासूसी से जुड़े अपराध कबूल करने होंगे। इसके बाद उन्हें अपने वतन ऑस्ट्रेलिया वापस जाने का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। इसके तहत असांजो को अमेरिकी प्रांत द्वीप क्षेत्र साइपन की एक अदालत में पेश किया गया जहां उन्होंने अपना अपराध कबूला है। इसके बाद उन्हें अमेरिकी जासूस कानून का उल्लंघन करने का दोषी करार दिए जाने के बाद रिहा कर दिया गया। इस समझौते के तहत वो ऑस्ट्रेलिया वापस लौट रहे हैं। 3 घंटे की सुनवाई के दौरान असांजो ने गोपनीय अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों को प्राप्त करने और उनका प्रसार करने की साजिश रचने के एक आपराधिक मामले में खुद को दोषी माना, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि संविधान का पहला संशोधन उन्हें यह अधिकार देता है। उन्होंने अदालत से कहा कि एक पत्रकार के रूप में काम करते हुए मैंने अपने सूत्र में ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसे वर्गीकृत या गोपनीय कहा जाता है ताकि उस जानकारी को प्रकाशित किया जा सके। इसके बाद मुख्य अमेरिकी जिला न्यायाधीश रमोना वी मैंगलोना ने उनको दोष याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने उन्हें ब्रिटिश जेल में पहले से ही काटी गई जेल की सजा के कारण रिहा कर दिया। इसमें सालों के कानूनी ड्रामे पर विराम लग गया। 2010 में असांजो ने अमेरिकी सरकार के 70,000 से ज्यादा गोपनीय दस्तावेज विकिलीक्स के जरिए सार्वजनिक कर दिए थे। सोमवार देर रात सार्वजनिक की गई एक संक्षिप्त अदालती फाइलिंग के मुताबिक असांजो ने उत्तरी मायरिनिया द्वीप की राजधानी साइपन में स्थित एक संघीय न्यायालय में पेश होने का अनुरोध किया जिसे अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी स्टेला असांजो ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, जूलियन को आजादी मिली। वीडियो में वो कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करते और विमान में चढ़ते नजर आ रहे थे। 2019 में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने असांजो को विकिलीक्स के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज की एक विस्तृत श्रृंखला को सार्वजनिक करने के 18 मामलों में दोषी ठहराया। इनमें चेल्सी मैनिंग की ओर से संगठन को भेजी गई सामग्रियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल था जो एक पूर्व अमेरिकी सेना खुफिया विश्लेषक थी जिन्होंने लगभग एक दशक पहले सैन्य योजना और संचालन के बारे में जानकारी सौंपी थी। अगर असांजो अमेरिकी सरकार से समझौता नहीं करते तो अदालत इन मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद असांजो को संघीय जेल में अधिकतम 170 साल की सजा दे सकती थी। असांजो ने जिन गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किया उनमें इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की जानकारी राजनयिकों के बीच साझा किए गए गोपनीय केबल शामिल थे। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को निपटाने का अनुरोध किया। वहीं बाइडेन ने भी संकेत दिए थे कि वो इसका त्वरित समाधान चाहते हैं। राष्ट्रपति की तरफ से निर्देश मिलने के बाद न्याय विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने बिना किसी अतिरिक्त जेल अवधि के असांजो के साथ इस समझौते को स्वीकार कर लिया। विकिलीक्स ने अमेरिकी सरकार और असांजो के बीच हुए समझौते की जानकारी देते हुए कहा, सोमवार को असांजो ने ब्रिटिश जेल से रिहाई के बदले में राष्ट्रीय सुरक्षा सामग्री को अवैध रूप से हासिल करने, उसे सार्वजनिक करने के एक अपराध में दोष स्वीकार करने पर सहमति जताई जिसके बाद अमेरिका के साथ उनका लंबा और कड़वा गतिरोध समाप्त हो गया।